So let's start with the basic sum. Product A required 10 kg of क्या material at a rate of कितना 4 per kg. So this is your standard quantity and this is your standard rate. बराबर. The actual consumption of material. Actual consumption of material for manufacturing product A comes to कितना है 12 kg. तो ये हो गया अपना actual quantity at the rate of 4.5. तो ये हो गया अपना actual rate. ठीक है. क्या क्या find out करने बोला है? Material cost variance, material usage variance and material what? Price variance. ठीक है. So let's see इसको कैसे solve कर सकते हैं अपन. देखते हैं. Now यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड और लिख देंगे एक्चुअल. ओके. स्टैंडर्ड के अंदर आएगा क्वांटिटी, उसका रेट, उसका अमाउंट. एक्चुअल में क्वांटिटी, उसका रेट और उसका अमाउंट. ओके बोलो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 10 केजीस, स्टैंडर्ड रेट कितना है 4, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 12, एक्चुअल रेट इज 4.5. सो 10 इंटू 4 इज 40 एंड 12 इंटू 4.5 कम्स टू 54. ठीक है. अब यहां पे ये जो 40 है इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो कि हम लोगों को क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करके मिला है. सिमिलरली ये जो 54 है उसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल कॉस्ट, जो हम लोगों को यहाँ पे एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी करके मिला है. बराबर है. अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले को बाय हार्ट करने का एक छोटा सा ट्रिक समझ लेते हैं. लेट सी वो फॉर्मूला कैसे याद रखना है. ठीक है, ध्यान से देखना. पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरियंस दूसरा है मटेरियल रेट वेरियंस रेट को हम लोग प्राइस वेरियंस भी बोल सकते हैं एंड थर्ड इज मटेरियल यूसेज वेरियंस अब इन तीनों फॉर्मूले में एक चीज दिमाग में रख देना कि हम लोगों को तीनों फॉर्मूले में क्वांटिटी और रेट दोनों चाहिए. ठीक है. रूल्स मैं यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं जो तुम लोगों को फॉर्मूला बनाने के लिए काम आएगा. ठीक है, देखो. वन, फॉर्मूला शुड कंटेन बोथ. फॉर्मूला शुड कंटेन बोथ. बोथ का मतलब क्वांटिटी एंड रेट दोनों भी होना चाहिए फॉर्मूला में. दूसरा, स्टैंडर्ड ऑलवेज कम्स फर्स्ट. मतलब स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, अगर रेट है क्वांटिटी है तो स्टैंडर्ड हमेशा फर्स्ट आएगा. एंड थर्ड पॉइंट, अगर हम लोग क्वांटिटी का बात करें तो वो रहेगा एक्चुअल, और अगर हम लोग रेट का बात करें तो वो रहेगा स्टैंडर्ड. यू जस्ट हैव टू बाय हार्ट ऑल दिस थ्री आइटम्स इफ यू वॉन्ट कि तुम लोगों को फॉर्मूला अच्छे से याद रहे. मैं रिपीट कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहले क्या लिखा, फॉर्मूला शुड कंटेन व्हाट, बोथ. बोथ बोले तो क्वांटिटी एंड रेट दोनों भी फॉर्मूले में होना चाहिए. सेकंड, स्टैंडर्ड ऑलवेज कम्स फर्स्ट, मतलब अगर तुम लोग को फॉर्मूला लिखना है तो स्टैंडर्ड हमेशा पहले लिखो. एंड थर्ड, अगर क्वांटिटी बोला जाए तो इट इज एक्चुअल, अगर रेट बोला जाए तो इट विल बी स्टैंडर्ड.
तो क्वांटिटी एक्चुअल का मतलब होता है इट इज एक्चुअल क्वांटिटी, एंड रेट स्टैंडर्ड का मतलब होता है स्टैंडर्ड रेट। ये तीन चीज़ अगर तुम लोग बाय हार्ट कर लोगे तो तुम लोग को सब फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, लेट सी। चलो बताओ फटाफट, पहले वाले में क्या था? कॉस्ट, फॉर्मूला विल बी स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। जैसे मैंने बोला स्टैंडर्ड हमेशा पहले लिखना है। दूसरा रेट है, रेट रेट बोले तो प्राइस, फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। एंड थर्ड यूसेज, यूज हम लोग क्या करेंगे? क्वांटिटी, तो फॉर्मूला विल बी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, राइट। अगर मैं पहले फॉर्मूला का बात करूं, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो मैंने पहले तुम लोग को बताया था कॉस्ट के अंदर क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करने के बाद ही वो कॉस्ट बना है, मतलब उसमें क्वांटिटी भी है और उसके अंदर रेट ऑलरेडी है। लेकिन अगर इस फॉर्मूले में ध्यान से देखोगे तो ये भी रेट है, ये भी रेट है, राइट। तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, रेट हो गया तो और क्या चाहिए? क्वांटिटी चाहिए। क्वांटिटी बोले तो क्या रहेगा? वो एक्चुअल क्वांटिटी। सिमिलरली स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, क्वांटिटी हो गया तो बाहर क्या आना चाहिए? रेट, एंड रेट इज वॉट? स्टैंडर्ड रेट। समझ में आ रहा है? तो ये जो टेक्निक है दिस इज वेरी शॉर्टकट फॉर बाय हार्टिंग द फॉर्मूला, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट इसको लॉजिकली करने का कोशिश करते हैं, लेकिन पॉइंट ऐसा है कि उन लोगों को वो फॉर्मूला बाद में कंफ्यूज होके वो लोग वो फॉर्मूला कर नहीं पाते, ओके। इफ़ यू वांट लॉजिक, मैं तुम लोगों को लॉजिक किसी दूसरे वीडियो के थ्रू बता दूंगा। एज ऑफ नाउ फिलहाल ये फॉर्मूला याद रखो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉस्ट बोला तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, रेट बोला तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, यूसेज बोला तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अगर रेट आ गया तो बाहर क्वांटिटी आएगा, क्वांटिटी विल बी एक्चुअल। अगर क्वांटिटी आ गया तो बाहर रेट आएगा, एंड रेट विल बी स्टैंडर्ड, ओके। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर। चलो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है? 40 माइनस 54, बोलो आंसर क्या आएगा? 14। प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस। माइनस का मतलब होता है एडवर्स। माइनस मीन्स व्हाट? एडवर्स, ठीक है। चलो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट? बोलो स्टैंडर्ड रेट कितना है? 4 माइनस, व्हाट इज एक्चुअल रेट? 4.5। 4 माइनस 4.5, व्हाट इज योर एक्चुअल क्वांटिटी? एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 12। तो आंसर विल बी 4 माइनस 4.5 इंटू 12, दैट गिव्स यू 6 एडवर्स, राइट। देन यूसेज, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? 10 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 12 इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना है? 4। सो 10 माइनस 12 इंटू 4, दैट गिव्स यू 8 नेगेटिव, मतलब वो भी एडवर्स हो गया, बराबर है। इफ़ यू रिमेंबर मैंने तुम लोगों को क्या बोला था, यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस इज इक्वल टू मटेरियल रेट एंड मटेरियल यूसेज। चलो लेट्स सी, लेट्स ट्राई कि वो वही आ रहा है क्या। मटेरियल कॉस्ट वेरियंस कितना है बताओ फटाफट? 14 एडवर्स। तो ये जो है इट इज 14 एडवर्स, राइट। फिर व्हाट इज योर मटेरियल रेट वेरियंस? मटेरियल रेट वेरियंस इज 6 एडवर्स। व्हाट इज योर मटेरियल यूसेज वेरियंस? मटेरियल यूसेज वेरियंस इज 8 एडवर्स। अगर तुम ध्यान से देखोगे ये भी एडवर्स है, ये भी एडवर्स है, 6 प्लस 8, क्योंकि दोनों भी एडवर्स है, तो आंसर विल बी 14 एडवर्स। समझ में आया ये? श्योर? चल अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, और वो दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये दोनों भी उसके अंदर कैसे सॉल्व किया जाता है, ओके। चल